तालिबान राज में पत्रकार का बुरा हाल। बेरहम तालिबान की क्रूरता देखिए। ईमानदारी की तो बर्बाद हो गया ये मशहूर स्टार। सड़क पर आ गया मशहूर टीवी एंकर। क्यों सड़क पर खाने बेचने को मजबूर हुआ पत्रकार। कभी हुआ करता था मालामाल, अब हो गया कंगाल। न्यूज एंकर, ये नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? एक ऐसी शख्सियत जो महंगे कपड़े पहनकर बढ़िया तैयार होकर टीवी पर आपको खबरें सुनाता है। उसकी छवि किसी मशहूर स्टार से कम नहीं होती है। लेकिन अफगानिस्तान के इस मशहूर टीवी स्टार की कहानी अगर आप सुनेंगे तो आपका भी दिल कांप उठेगा। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक तस्वीर तेजी के साथ वायरल हो रही है। इस तस्वीर में एक शख्स सड़क किनारे भिखारी के लिबास में खाना बेच रहा है। बताया जा रहा है कि कभी ये शख्स मशहूर टीवी एंकर था, जिसे शहर में हर तरफ प्रख्यात माना जा रहा था। इसके हर तरफ चर्चे होते थे। दरअसल कबीर हकमल, जिन्होंने पहले अफगानिस्तान की हामिद करजई सरकार के साथ काम किया था, उन्होंने हाल ही में एक पोस्ट साझा किया है। इसमें उन्होंने ये खुलासा किया है कि देश में कितने प्रतिभाशाली पेशेवर नौकरियों के अभाव में गरीबी के जाल में फंस गए हैं और उन्हें पेट भरने के लिए सड़कों पर खाना बेचना पड़ रहा है। हकमल ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक अफगानिस्तानी पत्रकार मूसा मोहम्मदी की तस्वीर साझा की और लिखा कि मोहम्मदी वर्षों से मीडिया क्षेत्र का हिस्सा रहे हैं। हालांकि अफगानिस्तान में गंभीर आर्थिक स्थिति के बीच वो अब पेट भरने के लिए भोजन बेच रहे हैं। उनके पास घर चलाने के लिए पैसे भी नहीं है। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर आने के बाद छा गई। हर तरफ बस इसी की चर्चा होने लगी। क्रूर तालिबान का चेहरा फिर से बेनकाब हो गया। वही इस बारे में राष्ट्रीय रेडियो और टेलीविजन के महानिदेशक अहमदुल्ला वासिक ने भी ट्वीट किया और उनको नौकरी की पेशकश की। मूसा मोहम्मदी को नौकरी की पेशकश। एक निजी टेलीविजन स्टेशन के प्रवक्ता मूसा मोहम्मदी की बेरोजगारी सोशल मीडिया पर बढ़ रही है। वास्तव में राष्ट्रीय रेडियो और टेलीविजन के महानिदेशक के तौर पर मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूँ कि हम उन्हें राष्ट्रीय रेडियो और टेलीविजन के ढांचे के भीतर नियुक्त करेंगे। हमें सभी अफगान प्रोफेशनल्स की जरूरत है। बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब तालिबान की मीडिया को लेकर क्रूरता सामने आई हो। इससे पहले भी जब नई नवेली सरकार बनी थी, तब भी महिलाओं को बुरखा पहनाकर एंकरिंग कराने की बात कही गई थी। कई महिला एंकरों की नौकरी भी चली गई थी। ऐसे में ये कहानी भी तालिबान शासन में पत्रकारों की फजीहत को उजागर करती है और ये बताती है कि तालिबान शासन में पत्रकारों का भी हाल आम नागरिकों की तरह बेहाल है। लेकिन देखते बनेगा कि आखिरकार इस पत्रकार की दास्तां सोशल मीडिया पर आने के बाद अब सरकार की तरफ से क्या कदम लिए जाते हैं और इस पत्रकार का आगे क्या होता है। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।